बिजली का एक यूनिट 29.78 रुपए का हो गया। IMF डिमांड पर आवाम पर बिजलियां गिराती गईं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4.96 रुपए फी यूनिट का इजाफा। बिजली का बुनियादी टैरिफ 24.82 रुपए से बढ़ाकर 29.78 रुपए मुकर्रर। नेप्रा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेजवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का नफाज होगा। टैक्स और स्लैब्स के साथ औसतन फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ कराची के बिजली सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी। एक माह के लिए फी यूनिट कीमत में 1.44 रुपए का इजाफा। बिजली कीमत में इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, परिवहन किधर जाए? जरूरत की चीजें इनको कम से कम महंगा नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हुकूमत से ये मतालबा है कि ये सब चीजें सस्ता करे, हमारा मजदूर का भी कुछ ख्याल रखे। जो मजदूरी ये कम होता है दिन का, और ये चीनी आटा बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगाई है, इसलिए हम गरीब लोग हैं, नहीं हो सकता, बस हमारा है ही नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान और हैरान। आटे और चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे पर आवाम की चीखें निकल गईं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 2950 रुपए का हो गया। नान भाई एसोसिएशन ने 20 जुलाई से रोटी और नान की कीमत में 5-5 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। लाहौर में गंदम 100 रुपए इजाफे से 4700 रुपए फी मन हो गई। पिशावर में आटा 140 रुपए फी किलो बिकने लगा। चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 25 रुपए का इजाफा हुआ। कराची में चीनी की फी किलो थोक कीमत 15 रुपए बढ़ गई। दूसरी तरफ हफ्तावार महंगाई में 29% इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। आटा, चाय, चावल, चीनी, मुर्गी का गोश्त कई गुना महंगा हो गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। पाक फौज ने अफगानिस्तान में कालदम TTP की महफूज पनागाहों और आजादाना सरगर्मियों पर तहफुजात का इजहार कर दिया। ISPR का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान चहरियों की शमूलियत पर तश्वीश है। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिजन का दौरा, योब में होने वाले दहशतगर्द हमलों बारे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने CMS क्वेटा में जख्मी फौजियों की अयादत भी की। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोजा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। Through team efforts, untiring efforts of all the components of the government of Pakistan and all other institutions, around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan by our brotherly countries Saudi Arabia and UAE, and of course $1.2 billion from IMF. डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। IMF प्रोग्राम से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट अफवाहें फैलाने वालों के लिए मौसर जवाब है। जोहरी तवानाई की आलमी एजेंसी ने भी मंसूबे को महफूज करार दिया। माशी बहरान में चीन ने हर मरहले पर साथ दिया। चीन, सऊदी अरब और UAE की मुआवनत के शुक्रगुजार हैं। उधर वज़ीर आज़म ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद भी रखा। पाकिस्तान जब भी किसी बहरान में मुबतला हुआ, उस बहरान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मियां नवाज शरीफ की क्यादत में इस मुल्क को निकाला है। दूसरे लोग जो हैं उनको तो आपने आजमा के देख लिया है, उन्होंने 4 साल में आपको गिराओ, जलाओ, लॉन्ग मार्च मार दो, पकड़ लो, चोर डाकू,
इसके अलावा कुछ नहीं था। हम इस बात के ऊपर पूरी तरह से मुत्तफिक हैं कि हम इलेक्शन अलायंस में नहीं जाएंगे। नून लीग का पंजाब में बाकायदा इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। पंजाब में हर हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ नागुजीर सूरत हाल में चंद हलकों में एडजस्टमेंट हो सकेगी। वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पंजाब में भरपूर अंदाजे से इंतखाबी अमल आगे लेकर बढ़ेगी। फितने ने इस मुल्क की सियासत को तकसीम किया, मुल्क दुश्मन एजेंडे को लेकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बड़ा रैला आज या कल हेड इस्लाम के मकाम पर पहुंचेगा। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखिला शुरू। किकर पोस्ट के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बतदरीज कम होने लगी। हेड गंडा सिंह के मकाम से पानी का अखराज 1 लाख से कम होकर 70,000 रह गया। कसूर में सैलाब के बायस 7,000 एकड़ से जायद फसलें मुकम्मल तबाह। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मानसून के नए बादलों ने रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश ने जल थल एक कर दिया, मौसम खुशगवार। सियालकोट में भी बादल खुलकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला और गिरदोनवा में छाए बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई से पूछताछ। चेयरमैन पीटीआई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने शामिल तफ्तीश। जेआईटी टीम ने चेयरमैन पीटीआई से सवालात किए और उनके जवाबात कलम बंद किए। चौधरी परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस और एंटी करप्शन को हुक्म। अदालत ने परवेज इलाही को जेरे इल्तवा इंक्वायरी में भी गिरफ्तार करने से रोक दिया। दूसरी तरफ सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की रूबकार पर अमल दरामद का केस। सुपरिटेंडेंट जेल ने रूबकार पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में रिहाई दे दी है, दीगर मुकदमात में अभी जेल में है। नौ में वाकयात पर 2 माह में कितनी खवातीन गिरफ्तार हुई, रिपोर्ट तैयार। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी। रिपोर्ट में बताया गया 21 खवातीन को 9 मई वाकयात में मुलविस होने के शुबे पर हिरासत में लिया गया। 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। 22 को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल कर दिया गया। 8 शहरों से गिरफ्तार होने वाली 59 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिल गई। जजेस को माशरे की ज़रूरियात और आइडियाज़ का इल्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज़ की जिम्मेदार है। माशरे की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत है। डॉलर का फिर चौप गियर, रफ्तार पकड़ ली। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 4 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 13 पैसे महंगा। नई कीमत 277 रुपए 59 रुपए हो गई। सोना भी फी तोला 6,500 रुपए महंगा। एक तोला सोना 2,14,500 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 213 पॉइंट्स की कमी से 45,053 पर बंद हुआ। पाकिस्तान को मजीद इस्लाहात की ज़रूरत होगी। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली का कहना है कि हम हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा। पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा।
मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम कर दिए गए रकम से इलेक्शन से पहले जर मुबादला जखायर को इस्तेहकाम मिल सकेगा। पीटीआई का महंगाई पर सख्त रद्द अमल, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा आवाम को महंगाई के जरिए सजा देने का सिलसिला काबिले मजम्मत है। शहबाज हुकूमत बेरहमी, नालायकी और मुजरिमाना तर्ज हुकूमत की जीती जागती तस्वीर है। बेरहम हुकूमत के हाथों मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब है। तनख्वाहदार तबके के लिए अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी मयसर करना मुश्किल तरीन बना दिया गया। तहरीक इंसाफ की मजीद दो विकटें गिर गईं। सरदार मोहम्मद खान लगारी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। सरदार मोहम्मद खान लगारी ने 2018 में अपने हलके में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हराया था। उधर पंजाब असम्बली की साबिक रुकन नीलम हयात मलिक ने भी तहरीक इंसाफ से नाता तोड़ लिया। पीटीआई का पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए खत। हलीम आदिल शेख ने निगरान हुकूमत के लिए वजीर आला सिंध को खत में कहा, निगरान वजीर आला की तकरूरी के लिए अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की जाए। सिंध असेंबली की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो रही है। एमकेएम को हलीम आदिल शेख के असेंबली से गायब होने पर तशवीश। फारूक सत्तार कहते हैं हलीम आदिल शेख असेंबली नहीं आ रहे, इस वजह से ओपोजिशन लीडर नामजद किया। राणा अंसार को सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने हमें हल्का बंदियों के हवाले से मौसर जवाब नहीं दिया। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को तकसीम करने के अलावा और क्या किया। कराची से लापता कस्टम्स दो अफसर इस्तांबुल जाते हुए गिरफ्तार। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुलजिमों से $2,500, 54 लाख पाकिस्तानी रुपए और अमराती करेंसी बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों अफसर तारिक महमूद और यावर अब्बास 1 हफ्ते से लापता थे। ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने 9 मुलजिम गिरफ्तार करके दफातर सील कर दिए। 19 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी मुलाजमीन का 5वां रोज धरना। मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल, दफातर की तालाबंदी की। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी ख्वार होकर रह गए। उधर पेशावर में वाबडा की खाली असामियों पर भर्तियों में ताखीर। ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने वाबडा हाउस के बाहर धरना दिया। And also, I would like to say the great thanks to the people of Pakistan and also the government of Pakistan to maintain and to preserve the religious site here. The site in Kandahar National Heritage. पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क। बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं ने भी तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। बुद्धिज्म के हवाले से पाकिस्तान में 6,000 से जायद मकामात हैं। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि मजहबी सयाहत पर सिंपोजियम इंतहाई कामयाब रहा। गंधारा सिंपोजियम एक नई तारीख रकम करेगा। इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में सबसे सफाक मुल्क इसराइल है। इसराइल और भारत में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1500 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये मंसूबा सीपैक का तरजीही मंसूबा है। वजीर इत्तला सिंध चर्जील इनाम अहमद कहते हैं जोन का बाकायदा इफ्तिताह कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो करेंगे। धाबेजी सनती जोन में तुर्की, खलीजी ममालिक और चीन की कंपनियों ने सनतों के क्याम में दिलचस्पी जाहिर की।
सिंध असेंबली में मुजरिमों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रिक कड़ा पहनाने का बिल मंजूर। मुजवजा कानून के मुताबिक आदि मुजरिमों को बर्की कड़ा लगाया जाएगा। सिंध एक्सप्लोयर्स बिल भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। कराची रिहाइश के लिए बदतरीन करार। आलमी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने शहरियों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। 173 शहरों में कराची का 159वां नंबर। दुनिया के सबसे ज्यादा रिहाइश के काबिल शहरों में ऑस्ट्रिया के दरुल हुकूमत वियना का पहला नंबर आया। बाबर 11 का श्रीलंका में नया इम्तिहान। कौमी टीम की भरपूर तैयारी। क्रिकेट टीम की गाल में भरपूर प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नेपाल को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ 180 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शाहनवाज धानी की तबाहकुन बॉलिंग। 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। वसीम जूनियर ने 4 विकेटें हासिल की। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान मजीद ताखीर का शिकार। हतमी फैसला इतवार को होगा। पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम का इजलास दुबई में होगा। इजलास में श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस में पाकिस्तान की आमदनी पर बात होगी। एशिया कप के इब्तदाई 4 मैच पाकिस्तान और बाकी 9 श्रीलंका में होंगे। क्रिकेट कवानीन में अहम तब्दीलियां। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। मेंस और वुमेन्स इवेंट्स के लिए यकसा इनामी रकम का ऐलान। स्लो ओवर रेट पर खिलाड़ी पर फी ओवर 5% जुर्माना होगा। ज्यादा से ज्यादा 50% मैच फीस का जुर्माना ही हो सकेगा। क्रिकेट लीग्स को खिलाड़ियों के होम बोर्ड को भी अदायगी करना होगी। प्लेइंग 11 में 7 मकामी खिलाड़ी लाजमी रखना होंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। कप्तान मोहम्मद उमर भुट्टा और वाइस कप्तान राना अब्दुल वहीद अशरफ होंगे। मोहम्मद शाजिब खान, अफराज अब्दुलरहमान टीम में शामिल। रोमान मोहम्मद, मुर्तजा याकूब भी टीम का हिस्सा होंगे। एहतशाम असलम, उसामा बशीर, अकील अहमद, अरशद लियाकत, मोहम्मद इमाद भी शामिल। और आयमा बेग का नया गाना आते ही छा गया। गाना फनकारी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हिट। सारफीन ने आयमा बेग की आवाज, गाने के बोल और दिल फरेब मनासर को खूब सराहा।